एक फौजी और डॉक्टर में ज़्यादा फर्क नहीं। फौजी सरहद पर खड़ा अपने मुल्क के जिंदा लोगों की हिफाजत करता है, जबकि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़े शख्स को बचाता है। एक फौजी अपनी जान अपने मुल्क पर लुटा देता है और एक डॉक्टर अपने फर्ज पर। डॉक्टर साहब, ये 12 घंटे बहुत अहम है। अगर होश आ गया तो बेहतरीन, वरना नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। आप बस दुआ कीजिए। वादा करो मुझसे कि जैसे ही कोई परेशानी होगी तो तुम फौरन आओगे। वादा रहा। सर, उस मरीज की हालत बहुत तशवीशनाक है, आप जल्दी आ जाएं। आई एम सॉरी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, तुमने मारा मेरे बेटे को। तुम कैसे बेहिस डॉक्टर हो जो मेरे बेटे की जान ना बचा सके? कोई तो मेरे हमजा को लुटा दो, कोई तो मेरे बेटे को लुटा दो। ये वही डॉक्टर है ना जिसने हमारे हमसे का इलाज किया था? आप यहाँ कैसे? भला इस खामोश बस्ती में आपका क्या काम? और ये खबर किसकी है? ये कब्र उस बेहिस डॉक्टर के बेटे की है जो खुद अपनी औलाद ना बचा सका। क्या मतलब आपका? मैं अभी भी आपसे कहती हूँ कि आज आप हॉस्पिटल से ऑफ ले लें, हादी की तबीयत बहुत खराब है। कायनात, हॉस्पिटल में किसी को मेरी ज्यादा जरूरत है, और वैसे यहाँ पर तुम हो ना हादी के पास।
जल्दी की होती तो शायद हम इन्हें बचा लेते। आई एम सॉरी। बहुत देर तक लड़ा दी, बहुत तकलीफ बर्दाश्त की, अब ना तकलीफ रही ना वो रहा। कितनी अजीब बात है ना कि हम अपनी अजियतों के सामने दूसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम आपको क्या कुछ सुनाते रहे, हमें अंदाजा भी ना हुआ कि आप किस क़यामत से गुजर। हो सके हमें माफ कर दीजिएगा। आपने जो किया तो वो आपका हक था, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। मेरे खाकदान में पलते जुगनू उस रिवायत के अमीन हैं जो खुदाए अमन ने किसी मसीहा को बख्शी थी। मेरा लहू किसी के बुझते चराग का ईंधन, मेरा फर्ज इस बात का कर्ज कि मेरी हस्ती किसी की बस्ती को आबाद रखने पर कायम रहेगी। इस मुल्क और कौम की खिदमत मेरा निस्फुलैन, मेरा हर काम इसके नजरिया के शाना बशाना और मेरी हर बात इसकी याबरू होगी। सुब के कांधे पर झुकी तीरगी होगी कि मेरा लहू जलेगा तो रोशनी होगी, कि मेरा लहू जलेगा तो रोशनी होगी।